भोजपुरी माटी से जुड़ी नागिन हस्तियों का एक बार फिर काशी में जमघट होगा। विश्व भोजपुरी सम्मेलन का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 21 और 22 फरवरी को बड़ा लालपुर चांदमारी स्थित जीवन दीप शिक्षण समूह परिसर में आयोजित किया गया है, जिसमें मॉरिशरा, फिजी, सूरीनाम समेत कई देशों के राजदूत, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट जन तथा अपने अपने क्षेत्र के नामचीन लोग जुटेंगे जिनका भोजपुरी माटी से लगाव है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रादेशिक अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह एवं महासचिव ओमधी रण ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मातृभाषा भोजपुरी के उत्थान के लिए नई पीढ़ी को इस कार्यक्रम से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। अधिवेशन के दौरान कहरवा, कर्मा, धोबी नृत्य, कठपुतली नृत्य समेत भोजपुरी संस्कृति से जुड़ी लोक कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा तथा काष्ट एवं हस्तशिल्प कला से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 21 फरवरी को प्रथम सत्र का उद्घाटन होगा। अधिवेशन में राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा समेत कई विशिष्ट एवं अति विशिष्ट जन को भी आमंत्रित किया गया है। अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर टीएन सिंह करेंगे। दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी सिंह तथा पूर्व मंत्री सरजू राय को झारखंड में भोजपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी से अमन शुक्ला की रिपोर्ट। सर, आज किस तरीके की प्रेस वार्ता है? देखिए, आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है विश्व भोजपुरी सम्मेलन के तत्वाधान में जीवन दीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर वाराणसी में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है 21-22 फरवरी को, जिसका उद्घाटन 21 तारीख को 11 बजे दिन में होगा तथा समापन 22 तारीख को सायं 5 बजे होगा। इस कार्यक्रम को भोजपुरी भाषा, भोजपुरी लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है कि किस तरह से उसको पुनर्जीवित किया जाए। जो हमारी लोक कलाएं हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, वो हमारे बच्चे भी उसको सीखें और उसको पढ़ें, उसको लिखें। इसके लिए जो है लगातार प्रयास जो है विश्व भोजपुरी सम्मेलन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विगत 20 सालों से होता रहा है। अभी जो हम लोग अधिवेशन करा रहे हैं उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इधर के लोक संस्कृति या कलाएं हैं उसको प्रदर्शित करें, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कास्ट उद्योग हो, या पीतल उद्योग हो, या ग्लास उद्योग हो, ये सब सारी चीज़ें वहाँ दिखाएंगे हम लोग। कठपुतली डांस है, शास्त्रीय संगीत है, धोबिया नृत्य है, ये सारा कुछ जो है हम लोग दिखा रहे हैं ताकि लोग जो है दूसरे संस्कृति से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। सर, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा जो है हजारों साल पुरानी है। स्पॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।